नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक बार फिर अफवाहों का बाजार गर्म है और फिर लखीमपुर खीरी दहशत में आ गया है। बड़े बुजुर्ग हों या फिर बच्चे, सबके सब इस समय दहशत में दिखाई दे रहे हैं। शाम होते ही सड़कें सुनसान दिखाई देने लगती हैं, लोग अकेले जाने में घबराते हैं। आखिर ये क्या है, ऐसा क्या जो लोग इतना घबराए हुए हैं? यह जानने के लिए आइए हम आपको लखीमपुर खीरी लेकर चलते हैं। जी हाँ, आपको बता दें, लखीमपुर खीरी में इस समय बच्चा चोर गिरोह सक्रिय है, जो मासूमों को उठाकर ले जाता है। और लोगों की माने तो यह चोर मासूम बच्चों की किडनी भी निकाल लेते हैं, जिसके कारण चारों ओर दहशत का माहौल है। आपको बता दें, लखीमपुर खीरी में यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है, लोग दहशत में दिखाई देने लगे हैं। इससे पहले भी दहशत का रूप कभी मोनोचवा, इंसानों का पत्थर बनना, चोटी कटवा, और अब यह बच्चा गिरोह है जिसका किसी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं। लेकिन फिर भी दहशत कम नहीं है, ऐसे मामले आते हैं फिर अपने आप खत्म हो जाते हैं। माता पिता स्कूलों में बच्चों के पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन उनमें दहशत का माहौल दिखाई दे रहा है। आइए ले चलते हैं आपको लखीमपुर खीरी, जहां लोगों का क्या कहना है वे बता रहे हैं। वहीं इस समय एसपी खीरी पूनम ने बताया कि हम सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कर रहे हैं, लोगों को हम जागरूक भी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं लखीमपुर खीरी से फारूक हुसैन की रिपोर्ट। अच्छा, क्या है बच्चा चोरी जो चल रहा है, उसमें क्या लग रहा है आपको? वो सब बच्चे पकड़े जा रहे हैं, हम ना स्कूल जा रहे हैं, हमारी मम्मी वम्मी सब डरे हुए हैं, तो ना फिर बाहर घूमने जाते हैं हम, इसीलिए वो सब वहाँ इधर उधर सब बच्चे पकड़े जा रहे हैं, गांव में सब जगह जगह बच्चे पकड़े जा रहे हैं। तो क्या आपने कभी देखा बच्चा चोर? नहीं, खाली सुना है आपने? जी। अच्छा, सुनने में क्या आ रहा है? सुनने में सब एक बहुत लोग पकड़े गए हैं, बहुत से नहीं पकड़े गए अभी, बहुत लोग। तो आपको इसीलिए पढ़ाई भी नहीं जा रही, स्कूल नहीं जा रहे? नहीं। यहाँ पे जो है बच्चों वाला बहुत जो चल रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, डरते हैं। और जो है कि रात में जो है कि बहुत सारे लोग जो है पहरे लगाते हैं और जो है कि रात में हल्ला उल्ला मचाते हैं। ठीक है, सरकार को कुछ इसमें करना चाहिए, ये अफवाह है या हकीकत में है? और जहाँ देखिए वहाँ जो है कि बताते हैं कि वहाँ बच्चा उठ गया, वहाँ बच्चा उठ गया। जो फेरे लगाने वाले आते हैं उनको भी जो है कहते हैं कि भाई जो है कि ये बच्चे उठाने वाले आए हैं, तो उनको भी मारा पीटा जाता है। तो इसके बारे में जो है सरकार को सोचना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, क्या मामला है ये बच्चे पकड़ने वाली की बात? सुनने में ये आया है कि गांव में अपहरण हो रहा है बच्चों का जी, और उनकी किडनी वगैरह निकाल ली जाती है, ये सुनने में आया है हमें। जी। इस वजह से बच्चे बहुत ही दहशत में हैं, बच्चे उपस्थिति भी पूरी तरह से नहीं हो पा रही जी। है, क्योंकि ये गांव में आए दिन कहीं ना कहीं, कभी बेला में हो रहा है ये हादसा, और कभी हमारे त्रिलोकपुर में ही हुआ है। तो इस वजह से बच्चों का क्या, उनके पेरेंट्स का भी जीवन अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है इस टाइम, और बच्चों की उपस्थिति भी इस वजह से थोड़ी सी कम हो रही है। अमिता साहनी फ्रॉम इंडियन एकेडमी, और जैसा कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी ये कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा कि सब क्या है। जो र्यूमर उड़ी हुई है कि आजकल ये बच्चे उठ रहे हैं, उनकी किडनी वगैरह निकाल रहे हैं और जगह जगह से बच्चों को चोरी करके ले जा रहे हैं, अब ऐसा ये तो नहीं है कि ऐसा हो ही रहा है कि क्या है, बस ये एज ए र्यूमर हम लोग भी सुन रहे हैं। तो ये इस चीज़ से काफ़ी दहशत फैली हुई है हमारे जो शहर हमारा परिया है, इसमें काफ़ी दहशत फैली हुई है। इससे पेरेंट्स घबराए हुए हैं, बच्चों को वो रिक्शे पे नहीं भेजते हैं, स्कूल आते हैं तो खुद ले छोड़ने आते हैं, फिर स्कूल से वो वापस ले जाते हैं। तो इससे काफ़ी हमें क्लास में जो हमारा स्ट्रेंथ है उसमें भी फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि उनमें दहशत बैठी हुई है कि उनको ये नहीं पता है कि कब किस समय हमारा बच्चा उठ जाएगा, तो इससे काफ़ी लोग डरे हुए हैं। अच्छा, बच्चों की कहना चाहे तो बच्चों में क्या चल रहा है? बच्चे भी डरे हुए हैं, क्योंकि जो ये र्यूमर फैल रही है वो बच्चे भी सुनते हैं, बड़े भी सुनते हैं, जब घर में डिस्कशन होता है तो वो बच्चे भी सुनते हैं, इससे बच्चे भी डरे हुए हैं। जो छोटे बच्चे हों तो बिल्कुल ही घबरा जाते हैं। बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई अभी तक किसी प्रकार का आदेश आया? अभी ऊपर से तो ऐसा कोई आदेश नहीं आया है कि ऐसा कुछ किया जाए, बस ये हम अभिभावकों को ही मतलब ये कोशिश करनी पड़ेगी कि अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए खुद ही ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से अभी ऐसा कोई आदेश नहीं आया है। फिलहाल इसको आप जी
फिलहाल इसको रिमूवर ही मानेंगे। हाँ, इसको रिमूवर ही मानेंगे, क्योंकि अभी जब कुछ चीज़ हमको पता ही नहीं चल पा रही है, ये ऐसा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, या कोई ऐसा कोई पकड़ा जाए जिससे कुछ हमें ऐसा कुछ पक्की न्यूज़ मिल पाए कि हाँ ऐसा हो ही रहा है, तो हम रिमूवर ही मानेंगे इसके लिए, क्योंकि अभी हमने अपनी आँखों से भी तो ऐसा कुछ नहीं देखा, लेकिन जो भी रिमूवर उड़ी इससे जो दहशत फैली हुई है। जनता से अपील की जा रही है, पूरे जनपद में एक अभियान के तौर पर इसे लिया गया है कि कहीं पर भी कोई झूठी अफवाह ना फैलाई जाए, बिना प्रमाणिकता जांचे किसी भी तरीके का कोई भ्रामक जानकारी का प्रचार प्रसार ना किया जाए, जबकि कि उसके सभी तथ्यों की कोई तरह से जांच ना हो जाए। और इसी के साथ जो डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप पर या सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके से कोई अफवाह फैला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, सदर थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया है, और लोगों से लगातार यह हम अपील कर रहे हैं कि इस तरीके की किसी भी अगर कोई झूठी सूचना फैला भी रहा है तो उसके संबंध में पुलिस को तत्काल सूचना दें और उसके खिलाफ कार्रवाई करें। ये जगह जगह पर जो बच्चा चोरी के संबंध में अफवाहें फैलाई जा रही हैं उसको पूरे जनपद में उस पर नियंत्रण के लिए और रोकने के लिए एक तरफ जहां पुलिस कर्मियों के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, जन जागरूकता फैलाई जा रही है, पैम्फलेट बांटे जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर इसका व्यापक तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी ऐसी अफवाहें ना फैलाएं, अगर कोई ऐसी अफवाह बिना प्रामाणिकता के बिना किसी तथ्य के जाँच के कोई भी ऐसी रूमर फैलाता उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और कार्रवाई भी की जा रही है, और जो भी घटनाएँ ऐसी संज्ञान में आई हैं उस पर तुरंत मुकदमा पंजीकृत करके अभियुक्तों को गिरफ्तार करके कार्रवाई की गई है। संवारे अपना भविष्य इंदु प्रकाश फार्मेसी के साथ, डी फार्मा और बी फार्मा करके। इंदु प्रकाश फार्मेसी एट हल्दरपुर मऊ और साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी से एलोपैथिक में डी फार्मा करें। विजिट साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी सिकटिया, रोज गार्डन के सामने मऊ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।